जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों आज तारीख है 9 तारीख, नवा महीना 2023। आज की जो भी प्रमुख खबरें हैं चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्त चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है, बाकी नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी दबाना है। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, आप यही सर्च करके जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको डेली के डेली अखबार और PDF स्टडी मटेरियल वगैरह सब चीज़ मिलते रहते हैं। देखिए पहला जो यहाँ पर न्यूज है यह आया है 8 सितंबर 2023 को, यानी कि कल की डेट में आया है, लेकिन इसके बारे में हम बता नहीं पाए थे, तो यहाँ पर आप सुनिए यह किससे संबंधित है। तो UP SSC राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, यानी कि मंडी परिषद से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो 5/8/2023 द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन में अभिलेख परीक्षण के लिए चिन्हित अभ्यर्थियों के परिणाम 2/12/2021 में 44 जो अभ्यर्थियों के प्रकरण को अग्रिम आदेशों तक जांच के अधीन रखते हुए उनके संबंध में आयोग द्वारा पृथक से सूचना प्रकाशित की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि 44 लोगों को अलग रखा गया था DV के लिए, और आयोग के निर्णय के क्रम में 44 अभ्यर्थियों की सुनवाई दिनांक 15/9/2023 को है। कब है, 15/9/2023 को है। जो लोग 44 लोग इसमें अलग रखे गए थे और 16/9/2023 को प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत गठित जांच समिति के समक्ष आयोग कार्यालय में प्रस्तुत होने हेतु आयोग का पत्र दिनांक 1/9/2023 प्रेषित किया जा चुका है। सुनवाई कब होनी है, तो 2 दिन में होगी, 15 तारीख और 16 तारीख को। 15 तारीख में जिनकी होगी वहां पर इनका रोल नंबर यहां पर दिया हुआ है, यदि आप भी इसमें शामिल हैं तो रोल नंबर आप अपना मिला लीजिए। इसमें कितने लोग हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 4, 22 लोग यहाँ पर हैं 15 तारीख वाले डेट में, और यहाँ पर 16 को जिनका सुनवाई होना है उनका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 22 ऊपर 22 नीचे, टोटल 44 अभ्यर्थियों का होना है। उपर्युक्त 44 अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी को प्रेषित उक्त पत्रक दिनांक 1/9/2023 में उल्लिखित अभिलेख सहित सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 10 बजे प्रातः उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो तृतीय भवन है, जो भी वहां हेडक्वार्टर है, आप लखनऊ में पहुँच जाइएगा, वहाँ पर आपका सुनवाई होगा। ठीक है, तो 15 और 16 डेट याद रखिएगा, अपना जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के वहाँ पर पहुँच जाना है। अगली खबर आ रही है मुख्य सेविका से संबंधित, यह भी कल प्रकाशित की गई थी। तो इसमें क्या है कि पेमेंट लिंक आपका एक्टिव कर दिया गया है, अब आप अपना फीस भर सकती हैं। इसमें SC ST वालों के लिए 80 रुपये आपको पे करना होगा, और बाकी जो जनरल हैं या फिर OBC हैं इनको 200 रुपया फीस जमा करना पड़ेगा। बाकी एडमिट कार्ड आपका जल्द ही नेक्स्ट वीक के लास्ट यानी कि शनिवार या फिर अगले वीक में सोमवार को जारी हो सकता है, आज नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वीक में। और यहां पर लिखा भी गया है जैसे ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होने के संबंध में पृथक से सूचना आपको प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, तो यह हो गया मुख्य सेविका वालों के लिए। अगली यहाँ पर खबर आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर होगी भर्ती, भेजा गया अधियाचन। तो यहाँ पर अधियाचन भेज दिया गया है। टोटल इसमें पद की बात करें तो 745 पद खाली हैं, और यहाँ पर 356 पदों का ही अधियाचन आयोग को भेजा गया है। ठीक है, तो जल्द ही इस पर भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। अगला खबर है यहाँ पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने फिर से घेरा निदेशालय। यहाँ पर जो 69 शिक्षक भर्ती के मामले में एक अंक से वंचित रह गए अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बारिश के बीच बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया तथा पुलिस ने दोबारा इको गार्डन तथा घेराव किया तो पुलिस ने दोबारा इको गार्डन वहां पर पहुंचा दिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा में पूछे गए सवाल को गलत पाए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर 2022 को एक अंक बढ़ाने के लिए मेरिट में निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसी से संबंधित यहां पर शिक्षक भर्तियों ने निदेशालय घेरा और पुलिस ने उनको इको गार्डन में फिर से भेज दिया। दोस्त यदि आप भी UPSI की तैयारी कर रहे हों तो आज हम बात करेंगे UPSI की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चच्चू पब्लिकेशन की। दोस्त यह बुक आपको स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी, स्टडी गाइड के रूप में। इसमें आपको बहुत सारा मिलता है, एक झलक आप PDF का देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपको डिटेल सिलेबस और सिलेबस के साथ यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक ऑनलाइन परीक्षा 2021, तो आप इसका देख सकते हैं। आपको टोटल पेपर यहाँ पर मिलेगा,
और जैसे ही पेपर समाप्त होगा नीचे आपको इसकी उत्तरमाला और नीचे डिटेल से साल्व आपको मिल जाएगा। और बात करें तो इनका UPSI स्टडी गाइड बुक के साथ प्रैक्टिस सेट भी आता है और अनसाल्व पेपर भी आता है। आप यहां पर दोनों की एक एक झलक देख सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी गाइड बुक के साथ साथ यह भी आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। यहाँ पर है देखिए पटना दैनिक भास्कर पटना की तरफ से यहाँ पर एक खबर प्रकाशित करी गई है कि बीएड वाले कक्षा 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं, फैसला एक सप्ताह में हो जाएगा। बीएड योग्यताधारी 1 से 5 तक कक्षा के शिक्षक बन सकेंगे या नहीं, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल 3.9 लाख बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी होंगे या नहीं, इस पर एक सप्ताह के अंदर निर्णय ले लिया जाएगा। BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया है कि आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक की अंतिम निर्णय हो जाएंगे। दरअसल क्या हुआ था, पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के बीएड योग्यता को नहीं रखने और इसके लिए DLED और इसके समकक्ष योग्यता वालों को योग्य बताया था। तो इसका फैसला जल्द हो जाएगा। अगला खबर वही है, बीएड डिग्रीधारियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुँचे अभ्यर्थी। ठीक है, तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित यह भी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यह सब जो न्यूज है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो भी स्टूडेंट जगत के लिए बढ़िया खबरें होती हैं, अच्छी खबरें होती हैं, उसको हम डेली यहाँ पर टेलीग्राम पर डालते रहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं और सभी को डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।